आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है। और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है।
और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील साठी से फिल्म द परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों, जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है, और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है, और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों, गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है, और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील साठी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील साठी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है, और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है, और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील साठी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है, और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं, और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है, और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील साठी की है,
जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुंचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील शेट्टी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील शेट्टी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फेवरू, एड्रिस एल्बा, नील शेट्टी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील शेट्टी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी।
तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन, आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.25 घंटे का है
और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहां पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैती है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है। और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैती की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैती की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैती ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैती से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है।
इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए, और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है, और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 1.5 घंटे का है, और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है, और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है, और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है, और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है, और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं, और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है, और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है, और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है, और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है, और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज़ दिखाई जाती थी।
इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट दो पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील शेट्टी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील शेट्टी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फेवरू, एड्रिस एल्बा, नील शेट्टी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील शेट्टी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील शेट्टी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है।
यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है। जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुंचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है। तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10/7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फेवरू, एड्रिस एल्बा, नील सैटी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने
जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को यूट्यूब पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके।
वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्बा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो देखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म
80 के दशक में हुआ है, तो दंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए। यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताजा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देख लीजिए। दोस्तों, यह मूवी आप सभी को जरूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को यूट्यूब पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों, जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है, और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है, और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहां पर 10/7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों, गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है, और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्बा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है, और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो देखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है, और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है, और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं, और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है, और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है, और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं।
और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील शेट्टी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील शेट्टी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को यूट्यूब पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10/7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फेवरू, एड्रिस एल्बा, नील शेट्टी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील शेट्टी है यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि वहां पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील शेट्टी की है
जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को यूट्यूब पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फेवरू, एड्रिस एल्बा, नील सैटी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है।
अगर आप लोग मूवीज देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है। और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है,
और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियो, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए Disney+ Hotstar पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे
और भी यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो दंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है, और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है, और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है, और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है, और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है, और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है, और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं, और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है, और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है, और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन, आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है,
साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है, और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है, और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है, और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील शेट्टी ने बखूबी निभाया हुआ है, और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील शेट्टी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैन किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए, और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है, और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है, और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है, और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फेवरू, एड्रिस एल्बा, नील शेट्टी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील शेट्टी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है, और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो देखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है, और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और इस मूवी के अंदर
आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सियाटी की है जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू बघीरा अकेला रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है यानी कि नील सियाटी की है जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेब जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है जिसे नील सियाटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सियाटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैन किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए। यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फेवरू,
एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैती है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है। और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैती की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैती की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेब जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैती ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैती से उमदा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्मों में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैन किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को यूट्यूब पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं,
जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में तो ये मूवी आप सभी को Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए Disney+ Hotstar पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेब जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है।
फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील साठी से फिल्म द परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील साठी, बिल मुरारी ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील साठी है यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील साठी की है जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है यानी कि नील साठी की है जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया।
इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेब जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील शेट्टी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील शेट्टी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सभी को जॉन फेवरू, एड्रिस एल्बा, नील शेट्टी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील शेट्टी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी।
जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सेठी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सेठी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सेठी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सेठी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है।
जो IMDb है वहां पर 10 आउट ऑफ 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहां पर भी इस मूवी को काफी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टोमेटोज है वहां पर भी काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैती है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुँचाई है और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमाटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, और ये मूवी कहां पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए, और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है, और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है, और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है, और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील सैती, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं, पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील सैटी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है, और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं, तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है, और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील सैटी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है, और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं, और वही राजा शेर खान मानव के बच्चे को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है, और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है, जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुँचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है, और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज़ डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मज़े की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रूडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है, और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है, और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड
फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है और इस मूवी की लिखावट दो पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील शेट्टी ने बखूबी निभाया हुआ है और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील शेट्टी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे कास्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द जंगल बुक। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों जंगल बुक नाम से बहुत सारी मूवीज़ बनाई हुई है पर यहाँ पर मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो सबसे कमाल की और हटके मूवी है। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी एडवेंचर के ऊपर बनाई गई है और आप इसे बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लगभग इस मूवी का रन टाइम 2.5 घंटे का है और इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.4 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को लगभग 90% लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सभी को जॉन फावरियू, एड्रिस एल्वा, नील शेट्टी, बिल मुरारी, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं पर इस मूवी का जो लीड हीरो है वो यहाँ पर नील शेट्टी है, यानी कि मोगली है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते ही होगे। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई है और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। वैसे वो दिखने में तो दोस्तों इंडियन जैसे लगते हैं तो ये सही बात है, वो एक इंडियन ही है और इन्होंने जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्या इस मूवी की स्टोरी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में तो ये मूवी आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। तो अभी जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाती है। मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के बारे में बात करें तो ये कहानी मोगली यानी कि नील शेट्टी की है, जो जन्म के बाद जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में हर दिन जीने की कोशिश करता है, कहे तो सर्वाइव करता है। एक तरफ जंगल के जानवर बल्लू, बघीरा, अकेला, रक्षा उसके साथ होते हैं और वही राजा शेर खान मानव के बच्चों को जंगल में स्वीकार नहीं करता है। यही कहानी आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार एक बार फिर से मोगली के माध्यम से जीवन में संघर्ष का पता चलता है।
तो इस मूवी की जो स्टोरी है इसी के आधार पर चलती रहती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ था जॉन फेवरू ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। इन्होंने काफी सारी मूवीज बनाई हुई है। अगर इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो इस मूवी की कहानी मोगली की है, यानी कि नील सैटी की है। जो कि दोस्तों जब जंगल में पहुंचते हैं फिर वो हर दिन जीने की कोशिश भी करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके अलावा इस जंगल के अंदर एक राजा भी रहता है जिसका नाम शेर खान होता है, जो कि जंगल में उसका स्वीकार नहीं करता है और वह चाहता है कि जंगल में जो है वो इंसानों को अलाउ नहीं है और वे हमारे साथ नहीं जी सकते हैं। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने आयरन मैन 2 और सेफ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हुई है। साथ ही खुद ही मजे की बात तो ये है कि वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज बनाई हुई है, तो वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर है इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी हुई है। अगर हम लोग इस मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो वैसे तो जंगल बुक की जो स्टोरी है वो मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित है, और इस विषय में 60 के दशक में फिल्में बनाई जा चुकी है और भारत में दूरदर्शन पर भी यही सीरीज दिखाई जाती थी। इस बार जो डायरेक्टर जॉन फेवरू है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में एनिमेटेड फ्लेवर जनता तक पहुंचाई है, और इस मूवी की लिखावट 2 पर्दे पर दिखाई गई है। सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन और सब कुछ बढ़िया है। ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। फिल्म वैसे तो जीवित एक प्राणी है जिनका नाम यहाँ पर मोगली है, जिसे नील सैटी ने बखूबी निभाया हुआ है, और फिल्म के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बाकी किरदार एनिमेटेड है। फिल्म के डायरेक्टर के निर्देशक जो यहाँ पर थे वो नील सैटी से उम्दा परफॉर्मेंस किया हुआ है। साथ ही इस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी जो है उस फिल्म में के मशहूर कलाकार जैसे कि नाना पाटेकर, बैंड किंगर्सले, प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, बिल मरे और भी यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट जिन्होंने इसे डबिंग किया था हिंदी में, जिसे पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है, जो आपको हर तरह के इमोशन के साथ बांध रखता है। अगर आपका जन्म 80 के दशक में हुआ है तो जंगल बुक को तो आपको देखना ही चाहिए, यह आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा कर देंगी। इस कमाल की स्टोरी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यह मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी को आप लोग पूरी फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं, क्योंकि एक मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी को आप लोग देखिए, यह मूवी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी सिंपल वजह है कि अगर YouTube पर इस मूवी को डाला गया तो हट जाएंगे कॉपीराइट से, और डिज्नी अपनी मूवीज़ को YouTube पर नहीं डालता है। अगर आने वाले टाइम में इस मूवी को YouTube पर कोई ऑफिशियल डालता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके इस मूवी को देख सकते हैं।